नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के लिए एक रात की खबर यह है कि अप्रैल महीने के आखिर तक भारत इस वायरस पर 98% नियंत्रण कर लेगा। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की माने तो भारत में यह वायरस उस तेजी से नहीं फैल पाया जैसी कि उम्मीदें की जा रही थी। इसकी मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा जितनी तत्परता से कदम उठाए गए उसने इस बीमारी के प्रसार पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया है। हालांकि पिछले 3 दिनों से जो हड़बड़ाहट जनता में दिखाई दी उसने जरूर सरकार को चिंतित किया है, मगर अब सभी प्रांतों ने अपनी सीमाएं सील करने का ऐलान करके इस लड़ाई को और अधिक मजबूती प्रदान की है। खास बात यह है कि 29 फरवरी से संक्रमण के मामले सामने आने शुरू हुए थे, मगर आज पूरा एक महीना गुजर जाने के बाद ये आंकड़े उस गति से नहीं बढ़े जैसे कि इटली, स्पेन, ईरान, फ्रांस या फिर अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिले हैं। भारत ने इस वायरस को काफी हद तक कंट्रोल किया है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में सरकार द्वारा लाया गया 21 दिन का लॉकडाउन इस बीमारी के प्रसार पर विराम लगाने का बड़ा स्तर बन गया है। आने वाले दिनों में यह लॉकडाउन जहां काफी सख्त होने वाला है वहीं इस बीमारी के रोकथाम के उपायों पर भी गहन रिसर्च जारी है। ICMR के अनुसार पिछले 5 दिनों के भीतर ही कई वैज्ञानिकों ने इस वायरस को खत्म करने की अपनी अपनी रिसर्च भेजी है जिनसे उनको काफी उम्मीदें हैं। उनके मुताबिक भारत जल्दी ही इस रोग के उपचार के टीके की घोषणा भी कर सकता है। वैसे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि वायरस रोधी वैक्सीन का निर्माण सबसे पहले भारत में हो सकता है। पिछले 6 दिनों से भारत में संक्रमित मरीजों के मामले 110 से 140 के बीच बढ़े हैं जो आबादी के लिहाज से बेहद ही मामूली माने जा रहे हैं। अभी तक कुल 1200 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में इस रोग के सबसे ज्यादा मरीज हैं। या भी वही लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं जिन्होंने विदेश यात्राएं की है। देश में बामुश्किल 4% से भी कम लोग हैं जो बिना ट्रेवल किए इसकी चपेट में आए हैं। इसका मतलब यही है कि भारत में यह वायरस कम्युनिटी में नहीं फैला है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने जिस तरह लोगों को जागरूक किया उसके मद्देनजर अब जनता खुद भी सावधानी बरत रही है जिसे सरकार के प्रयासों की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फैले इस वायरस ने आंकड़ों में उलटफेर किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में आज 200 से ज्यादा संक्रमित टोबीबाज मिले हैं। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश में भी इनकी तादाद ही सरकार का खेल बिगाड़ रही है क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं और सीट कन्फर्म करवाए बिना मानेंगे नहीं। पर बावजूद इसके ICMR ने जनता का भरोसा काफी हद तक बढ़ाया है। हालांकि पिछले कुछ समय से यह अफवाह भी उड़ाई गई थी कि सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है, मगर अब PMO ने ऐसी संभावनाओं को पूरी तरह नकार दिया है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि अप्रैल माह तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी, मामलों को ज्यादा तेजी से बढ़ने से रोका जाएगा। इसके अलावा सरकार ने आपात स्थिति के लिए तैयारियां भी पूर्ण कर ली है। सरकार ने देश के 15,000 ITI और कुछ स्कूल कॉलेजों को चिन्हित करके क्वारंटीन सेंटर बनाने की योजना तैयार की है, पर अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ही सरकार को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। मोदी की अपील का बहुसंख्यक तबके और कई समुदाय पर जबरदस्त असर हुआ है जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सरकार के प्रयासों को न केवल लोगों का साथ मिल रहा है बल्कि लोग उसके दिशा निर्देशों पर अमल भी कर रहे हैं। ICMR ने स्पष्ट किया है कि जब तक देश को इस बीमारी का पुख्ता इलाज नहीं मिल जाता सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन रहकर देश इसको मात दे सकता है। उसने कहा है कि भारत की जनता काफी जागरूक है। भारत ने स्मॉल पॉक्स और पोलियो को भी इसी जागरूकता के बल पर पराजित करके दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। बड़ी बात यह है कि सरकार भी इस बीमारी के सेकंड स्टेज में नियंत्रित हो जाने से गदगद है, मगर उसकी चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अप्रैल अभी भी बहुत दूर है और उसके मुकाबले यह बीमारी कहीं अधिक बड़ी है जो परमाणु वेग से ज्यादा तेजी से फैलती है। इसलिए सरकार के साथ साथ हर हिंदुस्तानी को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ऐसे तत्वों से तो बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है जो इसे जिहाद का हथियार बना सकते हैं या फिर बना रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।